सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि 11 अप्रैल को यामाहा MT-15 का न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है। और अभी तक इस बाइक की काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि कैसी ये बाइक होगी, क्या क्या इस बाइक के अंदर फीचर होंगे। तो आज की वीडियो में गाइस, मैं आपके साथ इस वीडियो के सारे फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप अभी तक इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइस, अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइस, अगर बात की जाए इस बाइक के सबसे पहले न्यू फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस बार इस बाइक में न्यूली डिजाइन कंसोल देखने को मिलने वाला है। और इस कंसोल के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने फोन को अपनी बाइक से कनेक्ट कर सकते हो और अपनी बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फोन में शो हो जाएगी। और इसके अलावा बात की जाए इस बाइक के और फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस बाइक में क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, जिससे आपकी जो गियर शिफ्टिंग होगी वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। और यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के अगले फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा। और से जो पहले वाला MT-15 का मॉडल था उसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता था। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो इस बाइक की सेफ्टी को काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। और इसके अलावा आपको इस बाइक के फ्रंट में गोल्ड प्लेटेड USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको उस बाइक में ड्यूल हॉर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के एक और सेफ्टी फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात की जाए इस बाइक के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस बाइक के इंजन में VVA देखने को मिलेगा। और इसके अलावा राइडिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए आपको उस बाइक में असिस्ट एंड स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में बाई फंक्शनल क्लास डी की प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगी। और आपको उस बाइक में आईब्रो शेप LED DRL लाइट्स जो है वो देखने को मिलने वाली है। बात की जाए फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक का डिजाइन है वो थोड़ा सा आपको बल्कि इस बार देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो बाइक है वो 6 कलर में अवेलेबल होगी। और यहाँ पर R15 वर्जन 4 की तरह आपको उस बाइक में एल्युमिनियम स्विंग आर्म जो है वो देखने को मिलने वाली है। और गाइस, अगर बात करूं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का 1,60,000 के आसपास का एक्सशोरूम प्राइस होगा। और ये वाली बाइक आपको ऑन रोड लगभग 1,85,000 के आसपास की मिलने वाली है। और गाइस, आपकी इस प्राइस के रिगार्डिंग क्या राय है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।